राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। गुरु तेग बहादुर मैदान में कार्यक्रम का मंच सजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं से मुलाकात की गई। छोटी बच्ची को झूला झूलाते हुए मुख्यमंत्री को देखा गया। प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखा। तो गुरु तेग बहादुर मैदान में आज जो है कार्यक्रम का मंच सजा और उसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में महिलाओं से मुलाकात की है, बच्चियों को झूला झूलाया है और उसी के साथ प्रदर्शनी जो लगाई गई उसको भी मुख्यमंत्री ने देखा कि आखिर क्या तमाम चीज़ें प्रदर्शनी में लगाई गई हैं, उनका क्या महत्व है और ऐसी तमाम चीज़ों की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस महोत्सव में लेते नजर आए। तो पानीपत में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव गुरु तेग बहादुर मैदान में कार्यक्रम को लेकर मंच सजा। उसी मंच पर विराजमान थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उसी मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन अब से कुछ ही मिनट पहले हमने सुना और इस कार्यक्रम का हिस्सा मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने। महिलाओं से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और महिलाओं को एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अपने जो है जितने भी कार्यक्रम रहते हैं उसका मुख्यमंत्री ने बताया और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार संकल्पबद्ध है। तो पानीपत में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में पहुंचे, महिलाओं को लेकर जिक्र किया। हरियाणा राज्य में किस तरह से महोत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, उनकी कितनी मान्यता है, क्या किस लिए वो महत्वपूर्ण है, ऐसी तमाम चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री के। देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं वो आपको आपकी संस्कृति से जोड़ कर रखते हैं और ख़ासकर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में हर महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक अलग रौनक देखने को मिलती है जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब जब पानीपत में राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो कितनी बड़ी भीड़ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए वहां पर जुटी है।